नमस्कार दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं सरयू किनारे का मेला। तो आप देख सकते हैं ये मेला लगा है सरयू नदी के किनारे सिंगिस का। ये लड़के जो आ रहे हैं ये अपना वीडियो बनवा के डालना चाहते हैं ताकि जब यूट्यूब पे ये देखे तो उनका वीडियो मिल जाए। दोस्तों देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग आ रहे हैं, ये मेला लगा है यहाँ पे। आज हम आपको यहाँ का जो मेला है उसका दृश्य दिखा रहे हैं। आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कहीं सही भी होती है कहीं गलत भी होती है। तो ये सरयू नदी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग आके चले गए हैं। यहाँ पे जिसकी जो मान्यता होती है उसी का गाड़ी वो काम करता है। आप देख सकते हैं लोग किस तरह से नहा रहे हैं, अपना जो पूजा पाठ वो कर रहे हैं। सब कुछ ठीक है बट पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ये गड़बड़ है। मेले में जो सबसे बड़ी कमी है वो पार्किंग है, क्योंकि कोई आप गाड़ी खड़ा कर दो कोई देखने वाला नहीं है, आप साइकिल खड़ा कर दो कोई देखने वाला नहीं, अगर गायब हो जाता तो कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी की, ये सबसे बड़ी बुराई है। हालांकि शहरों में होता है ये पार्किंग की व्यवस्था। आ भैया आओ आओ आओ, बाद में देखे आओ। दोस्तों मैंने कुछ इसमें कारपीट नहीं किया है, वीडियो को जैसा रिकॉर्ड किया उसी तरह मैं पेश कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से गांव के जो लोकल मेला लगते हैं वो किस तरह की मेला होते हैं। तो आप देख सकते हो मेले ही वीडियो बनाओ। क्या अभी जैसा लड़के तो है सब चालू ये देख सकते हैं। और बुआ कहाँ हाल है? कुछ बेचे नहीं आए बनावे आ ही। ये आप देख सकते हैं किस तरह का मेला लगा हुआ है। यहाँ पे आपको बैलून मिल जाएंगे, पानी पूरी मिल जाएगी खाने के लिए और जलेबी मिल जाएगी खाने के लिए। आप ये जो जलेबी बना रहे हैं, आप ये सिंगाड़ा देख सकते हैं जो काला काला दिख रहा है, वो सिंगाड़ा है जो पानी में उगता है। और ये पानी पूरी का ठेला है, तो आप देख सकते हैं कि मेला किस तरह से लगा है। वाह, जिलेबी छन रही है।
तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जलेबी दिखेगी आपको मेले में, लोग खरीदते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग आए हैं मेला करने, ये जलेबी दे रहे हैं, ये भगवान जलेबी सुन रही है, और ये उत्तर प्रदेश पुलिस है। ये आप देख सकते हैं लोग मेला किस तरह से घूम रहे हैं, जलेबी बना रहे हैं। लोकल के मेले किस तरह करते हैं यूट्यूब में देख सकते हैं। मैंने वीडियो को काटा छाटा नहीं है ताकि आपको देखा सकूं मैं कि किस तरह से नदी के किनारे गांव में मेला लगता है। ये मेला जो लगा है सरयू नहान पे लगा है, आप देख सकते हैं आपको बांसुरी भी दिखेगा। बजावे जाना था भाई, खाली बेचते है, खाली बेचते हैं। और यहाँ पे आदमी औरत सभी नहा रहे हैं नदी के किनारे। आप आनंद ले सकते हैं मेले का, देख रहे हैं ये पानी में डुबकी लगा रहे हैं, इसी तरह से लोग नहाते हैं, बार बार डुबकी लगाते हैं। बस बस आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये दीप जलाए जाते हैं, और ये नदी के किनारे दीप है, फूल है, अगरबत्ती वगैरह है। अंदाजा लगा सकते हैं। जहां विदेशों में एक तरफ नदियों का साफ सफाई होता है, वहीं भारत में नदी के किनारे बहुत सारे बहुत सारी चीजें फैला रही है, ये अनाज डाला जाता है ताकि उनके पाप या जो भी है कम हो जाए। नहा के लोग आते हैं सीधा को छू के और दस देते हैं। बच्चिया नहीं क्या छुआ, सीधा का तात्पर्य बच्चिया नहीं क्या छुआ। कुछ लोग घर से चावल लेके जाते हैं वहाँ पे रखते हैं, कुछ लोग आटा, तो इसी तरह से वो ले जाके रख देते हैं। आप देख सकते हैं ढेर लगा हुआ है, तो एक आदमी इनको गठी लेके जाता है। यहाँ मेले में आपको देखा जाए जो ठीक है तो ठीक बनाए तो कौन बचिएगा। तो आप देख सकते हैं नदी के किनारे अगरबत्ती का जो खोखा होता है या जिसे पैकेट बोलते हैं वो किस तरह से, और ये नदी में किस तरह से फूल तैरते हैं देखिए। लोग चप्पल हाथ में लेके आ रहे हैं इसलिए क्योंकि आगे रास्ते में बहुत सारा कचरा है। कचरा का मतलब ये है कि दलदल है, क्योंकि पक्की सड़क होती नहीं, कच्ची सड़क होती है। तो कच्ची सड़क होता है जो मिट्टी और रेत होता है, वहाँ दलदल टाइप में हो जाता है, तो लोग जूते चप्पल हाथ में लेके फिर आते हैं। वो तो देख सकते हैं आप नदी के किनारे किस तरह से लोग नहाने के लिए आ रहे हैं, जबकि ये नहान सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है। लोग 4 बजे सुबह से आते हैं नहाते हैं, और बहुत सारे लोग नहा के चले गए हैं। ये वो लोग हैं जो 3-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर से दूर आते हैं नदी के किनारे नहाने वाले, बाकी जो नज़दीक के होते हैं वो सुबह 4 बजे ही नहा के चले जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि मेले में किस तरह से लोग आ जा रहे हैं और नहा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि फूल ये अर्पित कर रहे हैं सरयू जी को। और ये फूल का यहाँ से जलपान वगैरह देते हैं, ये दीपक है जो नदी के किनारे जलाते हैं लोग अपनी आस्था के अनुसार। देखिए किस तरह से लोग यहाँ पे जमी हुई है।
ले रहे हैं। और ये नाव आ रही है नदी के उस पार से, नदी के उस पार फैजाबाद है और वहाँ से लोग आ रहे हैं। देख सकते हैं इस तरफ से जाने वाले की भीड़ ज़्यादा है, देख सकते हैं आप देख सकते हैं किस तरह से चढ़ते हैं नाव। एक के सामान आदमी अगर नाव पे आए वो बैठेगा नहीं क्योंकि इतनी भीड़ हो जाती है वहाँ पर। जबकि मेरी जो बात हुई थी राम अल्लाह जिसे नाविक कहते हैं उसे, तो उसने बताया था कि इस नाव का जो अधिकतम भार है 100 क्विंटल है, यानी आपका 100 क्विंटल लोड करते हैं तो कोई और बढ़िया बात नहीं। और बढ़िया बात अभी आप देखिए कि किस तरह से लोग बैठते हैं इस पर, और मोटरसाइकिल साइकिल वगैरह रखते हैं। देखिए लोग बैठना चालू हो गए हैं जबकि अभी मोटरसाइकिल उतारनी बाकी है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग लाइन में लगे हैं नाव पे चढ़ने के लिए। देखिए नाव पे किस तरह से लोग चल रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे बड़े बूढ़े जवान सभी लोग नदी के उस पार जाते हैं क्योंकि नदी के उस पार ही सिंगी ऋषि का जो स्थान है जहाँ जिस गुफा में उन्होंने समाधि ली है वो नदी के उस पार है, जो फैजाबाद में पड़ता है। नदी के उस पार बस्ती पड़ता है और उस पार फैजाबाद। तो जो सिंगी ऋषि का गुफा है जहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी वो नदी के उस पार है। तो बहुत सारे लोग इस नदी के उसी पार नहा के अपना जो भी पूजा अर्चना करना होता कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग नदी के उस पार जाके जो सिंगी ऋषि का गुफा है वहाँ पे जाके अपना पूजा अर्चना करते हैं। तो देख सकते हैं आप नाव से किस तरह से लोग चढ़ रहे हैं। देखिए मोटरसाइकिल किस तरह से लेके जा रहे हैं, पटरा लगा देते हैं उसी पटरे पर से मोटरसाइकिल को ले जाके नाव पे डालते हैं, इसी तरह से उतारते भी हैं उसको। किस तरह से लोग साइकिल वगैरह चढ़ा रहे हैं, उसी तरह से जो मल्ला होती है साइकिल और मोटरसाइकिल को इस तरफ रखवाती है और आदमी लोग बैठते हैं और जगह कम होने से लोग खड़े रहते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि क्या है, ऐसे लोग आते जाते हैं नदी के ऊपर। मैंने भी इतना ज़्यादा काटा खाता इसीलिए नहीं है, आप देख सकते हो किस तरह से लोग नाव से इस पार से उस पार जाते हैं और कितनी मात्रा में लोग जाते हैं नाव से इस पार। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, और वीडियो अगर अच्छा आपको लगे तो लाइक करें। साथ में आप किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, आपको कौन सा वीडियो देखने अच्छा लगता है कमेंट करके रखें। देख सकते हैं ये सारे लोग उनकी पारी आ गए और वो भी गए और लोग नाव पे बैठे हैं। और नाव पे लगभग लोग बैठ चुके हैं, सभी लोग आ जा रहे हैं। चलते
आप ले सकते हैं पूरा। और नदी के बगल में आप देख सकते हैं बच्चे किस तरह से नहा रहे हैं, वहाँ के पानी जो है वो ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। तो आप भी मेले का आनंद लीजिए ऑनलाइन देखिए, ज़्यादा नहीं है और गाँव का ऐसा मेला होता है जो मैं वीडियो में दिखाना चाहता हूँ, लोग किस तरह से मेला देखते हैं और किस तरह से मेला लगता है। तो अभी देख रहे हैं आप जब नाव फुल हो जाएगी तो जो मल्ला या नाविक है नाव को स्टार्ट करेगा और फिर लेके जाएगा नदी के उस पार। अगर आप तो शहर से होंगे या नाव आपको नहीं चलेंगे तो आपको शायद देख के डर लगता होगा कि इतनी सारे आदमी बैठे हैं, नाव कहीं पलट न जाए डूब न जाए, ऐसे तमाम विचार आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि 100 क्विंटल बोझा का मतलब होता है एक आदमी होता है, इस हिसाब से लगभग 125 आदमी बैठेंगे क्योंकि नाव नहीं डूबेगी, जो मल्लाह ने बताया था उसके अनुसार। देख सकते हैं आप नाव पे लोग अभी भी बैठे हैं, मुझे भी जाना था नदी के पार, लेकिन मैंने जब इतना ज़्यादा नहीं देखा मेरी हिम्मत नहीं करी और फिर मैं डर गया, फिर दोबारा मैं गया लेकिन उतनी भीड़ नहीं थी लेकिन इस बार भीड़ है क्योंकि इस बार बहुत सारे लोग छूट गए थे। आप देख सकते हैं नाव को और ये पट्टा उठा के ऊपर डाल दिए क्योंकि नाव तैयारी में उस पार जाने के लिए। तो जितना ज़रूरत थी नाविक को सवारी की उतना सवारी हो चुकी है और नाव अब नदी के उस पार जाने की तैयारी में। देखिए लोग धक्का दे रहे हैं, ऐसे ही होता है। तो नाव तैयार हो गई है नदी के उस पार जाने के लिए, आप देख सकते हैं। बस 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 और ये नाव चालू हो गई और ये स्टार्ट हो गया इंजन, अब वो नदी के उस पार जा रही है। तो आप देख सकते हैं नदी के इस पार अभी भी लोग नहा रहे हैं, वही प्रक्रिया कर रहे हैं, पूजा अर्चना नहान स्नान। तो मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब है कि आप देख सकते हैं लोकल में मेला किस तरह से लगता है और ख़ास उस समय जब नहान का मेला हो। ये सरयू किनारे के इस सरयू नदी के किनारे का मेला है और आप देख सकते हो यहाँ पे दो लोग जो है पूड़ी बना रहे हैं। तो खाना किस तरह से बनाते हैं आप ये भी देख सकते हो, बहुत सारी महिलाएं आती हैं पूड़ी लपसी वगैरह बनाती हैं और कुछ आदमी आते हैं। हाँ वीडियो बना कवर किया है, आप देख सकती है ये दो 50-60 साल के लोग हैं ये भी पूड़ी बना रहे हैं। इन लोगों की मान्यता होती है उसके अनुसार ये कार्य करते हैं। और अब मैं दोबारा आया हूँ और मैं नदी से इस पार से उस पार जाना चाहता हूँ मेला देखने के लिए, ताकि मैं उस पार कवर कर सकूँ कि नदी के उस पार का कैसा सीन है और कैसा प्रोग्राम है। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और आप लोग क्या जानना चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और देखिए ये नाव है जिसके मैं खड़ा हूँ, और नाव की ये कंप्लीट हो गई पिछली बार से कम मिले इस बार। और ये देखिए स्टार्ट हो गया इंजन, नाव चलना चालू हो जाती है, देख सकते हैं। तो मैं दोस्तों नदी के इस पार से यानी बस्ती से मैं अब फैजाबाद जा रहा हूँ। नदी के उस पार जो जिला लगता है वो फैजाबाद लगता है और दोनों यूपी में ही है। तो आप देख सकते हैं मैं नाव में खड़ा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने कोशिश की है कि अच्छा वीडियो बनाऊँ और धीरे धीरे सुधार होगा क्योंकि ये मेरी शुरुआत है वीडियो बनाने की। तो आप देख सकते हैं मैंने ये नाव के पीछे का हिस्सा है जिधर से पानी फेंकता है। तो मैं दोस्तों नदी के उस पार जा रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, और उस पार का जो वीडियो बनाऊँगा वो अगले भाग में होगा। तो अगर आप अगला भाग देखना चाहते हो तो जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं, हालांकि वो आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये किनारा आने वाला ही है। तो देख सकते हैं नाव पे किस तरह से लोग, भीड़ कहें या जो भी कहें, किस तरह से लोग खड़े हैं, कितनी मात्रा में हैं।